हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज हमारा वीडियो हुआ है स्टेटिस्टिक्स पर ये जो हमारे वीडियो सीरीज एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मीन ऑफ अनग्रुप डेटा मीन ऑफ ग्रुप डेटा और मीडियन मोड वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर ये हमारा मोटिव है जितना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा उतना आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा तो मीन मीडियन मोड फिर स्टैंडर्ड सब के बारे में जितना हो सकते हैं बात करेंगे ये पार्ट वन है पार्ट टू पार्ट थ्री जितने पार्ट्स बनेंगे हम बनाएंगे तो शुरुआत करते हैं व्हाट इज स्टिस्टिक्स वी मतलब डेफिनेशन से तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू द मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीसिबिलिटी ऑफ कॉजेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कलेक्टेड इन अस्टमेटिक मैनर फॉर प्री डिटर्माइन परपज एंड प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर बहुत बड़ी डेफिनेशन है पर इस डेफिनेशन में स्टेटिस्टिक्स के रिलेटेड सब कुछ कवर हो जाता है तो डीप में समझते हो तो रहा बाई स्टेटिस्टिक्स विवीन एग्रीगेट ऑफ फैक्स एग्रगेट फैक्ट्स का मीनिंग यह है कि फैक्स जो है उसको जमा करना डेटा को जमा करना फैक्स मतलब जो डेटा है एक्चुअल रियलिटी है और अफेक्टेड यू द मार्क एक्सटेंड बाई मल्टीसपलिटी ऑफ कॉजेज अब इसका मीनिंग क्या है कि देखो हम अगर प्रोडक्शन ऑफ राइस के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है वो बहुत सारे कॉजेज़ पे बहुत सारे कॉजेज़ uh, पे डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा मतलब वो जो सीड यूज़ किया था उसकी क्वालिटी सॉयल की क्वालिटी फिर हमारा रेनफॉल कितना हुआ वेदर कैसा रहा वो सब कुछ डिपेंड करेगा और हमारा कल्टिवेशन का मेथड क्या था वो तो, मतलब तो उस सब के ऊपर ये डिपेंड होगा मल्टीप्लिटी ऑफ कॉजस न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हाँ हमारा जो स्टैटिस्टिक जो होता है जो डेटा हो वो वो हमको वो नंबर्स में हम लिख लेते हैं कि भाई एज एज हो गया या प्रोडक्शन राइस क्वालिटी तो उसके टन में बात करेंगे क्विंटल में बात करेंगे या कोई भी और चीज़ हो गई सैलरी हो गई तो उनको रुपीज़ में तो सारा जो डेटा है वो न्यूमरिकल एक्सप्रेस होता है एन्यमेरेटर एन्यटेड मतलब कि एक्चुअल जो काउंट है वो दिख लेते हैं जैसे हम रेनफॉल है तो मुंबई में समझ लो कि जून में ट्वेंटी इंच ट्वेंटी इंच रेनफॉल हुए तो जो एक्चुअल डेटा है वो हमने फाइंड किया और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल सार्ट ऑफ एक्यूरेसी तो जब भी साउथ वेस्ट मानसून आने के दो महीने पहले हमारे जो डिपार्टमेंट मेतरो, वो एक जारी करता है जिसमें वो कहता है कि भाई इस साल इतना रेनफॉल होगा जो होता है वो वन परसेंट होगा मतलब नॉर्मल होगा बिलो नॉर्मल नॉर्मल तो एस्टिमेटेड होगा अकॉर्डिंग टू वो जो Accurate, जो एक्यूरेसी उसमें जो बोला है वो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वो बोलते हैं कि भाई इस साल ऐसा रेनफॉल होगा कलेक्टेड इन अस्टमेटिक मैनर डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में कनेक्ट कलेक्ट करेंगे फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस हम डेटा को कलेक्ट करें तो ऐसे भी ना हमको पहले से पता है कि मैं ये डेटा क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ इसका पर्पस मुझे पता है इन प्लेस इन ऑर्डर रिलेशन वीच इधर मतलब हम देखते हैं कि रेनफॉल का ही ले लें एग्जाम्पल तो महाराष्ट्र और रेनफॉल का महाराष्ट्र और गुजरात का कर रेनफॉल कंपेयर करेंगे या मुंबई और सब सबन सब अर्बन मुंबई यहाँ पे भी इनफो का डिफरेंस आ जाता है तो रिलेशन टू ही जिधर जो हम दो डेटा को कंपेयर कर रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए तो स्टेटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस प्लोल सेंस क्या होगा स्टेटिस्टिकल डेटा और इन अ सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिकल मैटर तो स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग था प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिकल डेटा एन सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मैटर तो ये इससे हम और आसानी से इस डेफिनेशन को स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन को समझ सकते हैं अब आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या है स्टेटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज हमने अभी आई एम डी इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई एम डी का एग्जाम्पल लिया या प्राइवेट बिजनेस फर्म्स हो गए या रिसर्च एजेंसी हो गया आर एन इन एड इन ये जो स्टेस्टिकल मेथड है वो उनको क्या काम रहता है फोरकास्टिंग में कंट्रोलिंग में एक्सप्लोरिंग में सिम्प्लीफाइज मास ऑफ फिगर्स बहुत सारे फिगर्स को सिम्प्लीफाई कर लेता है हैव इन फॉर्मेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज जो हमारे दो डेटा कलेक्ट होता है सेंसस में सारे जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चनर जो होता है उसमें सारा जो डेटा कलेक्ट होता है उसमें गवर्नमेंट को मदद होती है सुटेबल पॉलिसीज बनाने के लिए अब आते हैं हमारे इस स्टैटिस्टिक्स के मेन टॉपिक में वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शोज द टेंडेंसी ऑफ सम सेंट्रल वैल्यू ये सेंट्रल वैल्यू से हमारी मुराद है एवरेज या मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शोज द टेंडेंसी ऑफ सम सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच द डेटा टेंड्स टू क्लस्टर मतलब समझ लो कि ये ग्राफ है और यहाँ ये सेंट्रल वैल्यू है तो जो हमारा बाकी डेटा है वो इस मीन के और इस एवरेज के अराउंड कैसा क्लस्टर फॉर्म कर रहा है क्या वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है या वो बहुत जैसे ये ऐसा ऐसा डेटा बन रहा है या बहुत ज़्यादा क्लस्टर में मतलब जो भी डेटा वो उस मीन के नज़दीक नज़दीक ही है तो वो हम देखना चाहते हैं एवरेज इज़ फ्रिक्वेंटली रिफर टू एस मेजर सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू जो हमारा एवरेज है जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं वो फ्रीक्वेंटली कैसे रिफर होता है मेजर ऑफ सेंट्रल एनलिस से रिवर्स होता है या सेंट्रल वैल्यू से एवरेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ एनालिसिस ये हमको पता ही है क्योंकि हम डेली बेसिस में एवरेज को यूज़ करते हैं बिच कैलकुलेट सिंगल वैल्यू हाँ तो एवरेज का काम क्या है कि बहुत सारे वैल्यूज बहुत सारे फिगर्स एक ही जैसे है उसको हम सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल देखेंगे सो और हो जाएगा दैट रिप्रेजेंट एंटायर मास ऑफ डेटा जो मास ऑफ डेटा है उसको एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा जिससे ईजी हो जाएगा अब हम हमारे हैं इस टॉपिक के मेन टॉपिक पे वो है एरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज मेजर फॉर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा बाय वन वैल्यू इज वॉट मोस्ट लेमन कॉल एन एवरेज हम इसको तो शादी भाषा में क्या कहते हैं एवरेज कहते हैं एंटायर डेटा को एक वैल्यू में जो दिखाने के लिए जो पॉपुलर और वाइडली यूज मेजर ऑफ मेजर है और स्टेटिफेशन क्या बोलते बोलते हैं उसको एरिथमेटिक मीन बोलते इट्स वैल्यू इज ऑप्टेन बाय एडिंग टुगेदर ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग दिस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं जिससे सब मिले के अभी एग्जांपल हम करेंगे कि टेन एम्प्लॉयज की सैलरीज दी हुई है और उस सारी सैलरीज को एडअप करेंगे और डिवाइड बाई टेन कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने होंगे कितने होंगे तो ये हमारा होगा एरिथमेटिक मीन अब कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड ग्रुप डेटा मीन को कैलकुलेट कैसे करेंगे अनुगूपता के लिए डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं है एक्स बार इजिकल टू सिगमा एक्स अपोनेंट और सिगमा एक्स क्या है एक्स एक्स तो एक्स एन और शॉर्टकट मेथड क्या एक्स बार इजिक्वल ए प्लस सिगमा डी अपोनेंट और डी क्या है हमारा एक्स माइनस ए ए क्या है आर्बिटरी पॉइंट और एज्यूम मीन ए क्या है आर्बिटेरी पॉइंट और एज्यूम मीन एग्जाम्पल ले लेते हैं इस इससे इस एग्जाम्पल इस से पूरा समझ में आ जाएगा मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ टेन इम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फर्म ये जो है दस इम्प्लॉज़ काम कर रहे हैं एक फर्म में उसकी मंथली इनकम दी हुई है ये हमारा टेन ऑब्जर्वेशन है उसका जो एडिशन है सिग्मा एक्स वो क्या है टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है अब हमारे जैसे ये आ गया फिगर सिग्मा एक्स तो हम मीन आराम से एसमी मीन आराम से फाइंड कर सकते हैं एक्स बार इज ईक्ल टू सिग मैक्स अपोनेट सिग्मा एक्स टू लैक ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड बाई ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल ट्वेंटी टू थाउजेंस टू हंड एंड सिक्स फाइव और हमने इसमें फिगर्स में देखो बहुत टेन थाउजेंड के ऊपर की फिगर्स है टेन थाउजेंडन वन लैख टन लैस ऐसी कोई बड़ी बड़ी फिगर्स हो तो उसके लिए हम क्या शॉर्टकट मेथड को इस्तेमाल करते और शॉर्टकट मेथड के लिए हम आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे या याजूम मीन कर लेंगे तो इसमें हम देखते हैं तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड भी ले सकते हैं लेना चाहे पर हमने इस सम के लिए ट्वेंटी टू थाउजेंड को एजू मीन या एर्ब्रेटरी पॉइंट चूज़ किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे डाटा को माइनस कर दिया हमारा एक्स माइनस जो एक्स है उसके ट्वेंटी टू थाउजेंड माइनस कर दिया हमारे ये फिगर्स आ गई इसको एडअप किया तो हमारा सिगमा डी क्या है टू सिक्स फाइव जीरो देखो कितना फर्क है टू ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी और टू सिक्स फाइव जीरो बहुत ज़्यादा फर्क हो गया और इसका मेथड इसका फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिगमा डी अपॉन एन बताइए हमको ए क्या है ट्वेंटी टू थाउजेंड सिग्मा डी क्या है हमने अभी फ़ाइन किया ये पूरा जब प्लस करेंगे तो आएगा टू सिक्स फाइव जीरो टू सिक्स फाइव जीरो ऑब्जर्वेशन है टेन तो हो गया टू सिक्सटी फाइव ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टू सिक्सटी फाइव ट्वेंटी थाउजेंड टू सिक्सटी फाइव तो ये हमारा ख़त्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा फिर मीडियन और फिर मोड तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर और ये लाइक कीजिए हमारे वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड कलर चेंज कर लेता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा जल्दी से जल्दी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स आप करेंगे हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा और इससे मैं थोड़ा बहुत कमा भी पाऊँगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा हो ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच दी एंड